अब आते हैं सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर कैमरामैन से थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी उसको और भी चीजें नॉलेज होता है, यानी उसकी पूरी सेटिंग उसको पता रहता है, लाइटिंग का नॉलेज होता है, सब कुछ नॉलेज होता है, वो सिनेमेटोग्राफर कहलाता है। वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकता है, वो टीवी सीरियल शूट कर सकता है, दे आर सिनेमेटोग्राफर। लेकिन डीओपी का पोस्ट बड़ा ऊंचा होता है, यानी जिसके कंधे पर पूरी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो फिल्म को शूट करने जा रहे हैं उसका लुक प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, उसके लिए सारी चीज़ों को देखना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उन कैमरों के बारे में हर चीज़ जानना होगा जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं, यानी रेड हो, एरी हो, इस तरह के जो भी इनके मॉडल्स हैं उसके अंदर की सारी सेटिंग, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि लाइटिंग, यानी हर तरह के लाइट्स का क्या क्या काम है, उनके कलर टेम्परेचर क्या होता है, किस केल्विन पर किस लाइट को रख करके किस ढंग से शूट करें कि हमको प्रॉपर शॉट मिले, इन चीज़ों की अगर जानकारी मिल जाए आपको तो आप भी डीओपी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप चाहते हैं और कैमरे से प्रॉपर प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आपको डीओपी बनने से कोई रोक नहीं सकता।